सिवान में पुलिस वाले का गुंडागर्दी, बाइक वाले पर डंडे चलाकर मारा जिसे युवक का सिर फूट गया। जी हां, पुलिस वाले की गुंडागर्दी देखकर सब हैरान है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी शिवा और एवन न्यूज में आपका स्वागत है। सिवान से पुलिस का गुंडागर्दी सामने आया है। सिसवन थाना क्षेत्र में छपरा पुलिस ने जमकर गुंडागर्दी किया है। चुनमुन की जान बच गई, खुदा उस पर मेहरबान था। एक पुलिस वाले ने उसे मौत के मुंह में धकेला और साथ ही इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनमुन को पुलिस वाले ने डंडा मार दिया जिसकी वजह से वह अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। खुशकिस्मत था कि चालक ने ब्रेक लगा दिया। युवक तो बच गया पर उसकी बुलेट मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। इस बड़ी लापरवाही पर लोग पुलिस के खिलाफ हो गए हैं। और बता दें कि रसूलपुर थाने के सिवान बालिया कोठी चेक पोस्ट के नजदीक सोमवार वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार दो लोगों पर पुलिस ने डंडे चला दिए जिससे बाइक चालक का सर फट गया और बाइक पर बैठे एक युवक को काफी चोट लग गई। दोनों युवक मांझी थाना क्षेत्र के टेघरा गांव निवासी विजय सिंह के पुत्र अभितोष सिंह और सिसवन थाना क्षेत्र के गंगपुर सिसवन गांव निवासी विजय सिंह के पुत्र चुनमुन सिंह एक बाइक पर सवार होकर शादी समारोह के लिए खरीदारी के लिए चैनपुर बाजार आ रहे थे। तब रसूलपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की। यह पुलिस की घोर लापरवाही है। वाहन चालकों से पुलिस को इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। ऐसे हादसों में बेकसूर की जान चली जाती है। हालांकि वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस खबर को लेकर क्या कुछ आपकी राय है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।